हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वंडर वुमन 1984। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया पैटी जेनकिंसन ने और इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग है 6.8 out of 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस मूवी के स्टोरी पर। तो इस फिल्म की स्टोरी 1984 की है, जिसमें कई कैरेक्टर है, जो की इसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें वंडर वुमन, बारबरा और मैक्सवेल लॉर्ड है। तो इन तीनों कैरेक्टर में लीड रोल में है वंडर वुमन, जिनका नाम डायना भी है, जो पब्लिक के लिए तो वंडर वुमन थी और अपराध के विरुद्ध लड़ती थी। और इनका एक पर्सनल लाइफ भी था, जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एंथोलॉजिस्ट के रूप में काम करती थी। तो सेकंड है बारबरा, जो कि डायना के ही ऑफिस में एंथोलॉजिस्ट का काम करती थी, जो डायना की तरह ही बनना चाहती थी। तो थर्ड मेन एक्टर है मैक्सवेल लॉर्ड, यह इस फिल्म के मेन विलेन है, जिसे एक चमत्कारी पत्थर की तलाश थी, जिससे वह पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल पर्सन बन सके। तो बेसिकली इस मूवी में एक चमत्कारी पत्थर होता है, जिसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। जो कि इस चमत्कारी पत्थर की खास बात यह थी कि अगर इस पत्थर से कोई विश मांगता था तो उसका विश तुरंत पूरा हो जाता था, और यह पत्थर उस विश के बदले उस इंसान का जो चाहे वह ले लेता था। तो ये तीनों उस पत्थर से क्या मांगते हैं और इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, जानने के लिए यह मूवी आपको जरूर दिखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस मूवी में काम करने वाले एक्टर्स की। तो फर्स्ट है गाल गडॉट, जो कि ये इस मूवी में वंडर वुमन का रोल प्ले की हैं, और इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, क्रिमिनल, जस्टिस लीग जैसी सुपरहिट मूवी में अभिनय किया है। तो सेकंड है क्रिस्टीन विग, इन्होंने इस फिल्म में बारबरा कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। और तीसरे एक्टर है पेड्रो पास्कल, जिन्होंने मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले किया है, जो इस फिल्म में मेन विलेन का रोल है। और पेड्रो पास्कल ने किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, द इक्वलाइजर 2 और ट्रिपल फ्रंटियर जैसे सुपरहिट मूवी में काम किया है। तो चौथे मेन एक्टर है क्रिस पाइन, जिन्होंने इस फिल्म में स्टीव का रोल प्ले किया है, और इन्होंने स्टार ट्रेक मूवी सीरीज, अनस्टॉपेबल और जैक रायन जैसे सुपरहिट मूवी किया है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की फाइनल रिव्यू की। तो यह मूवी 2017 में आई वंडर वुमन की सिक्वेल है, जो कि इसकी स्टोरी डीसी कॉमिक्स से लिया गया है, और यह मूवी सुपर हीरो बेस पर बनी फिल्म है। अब आपने तो सुपर हीरो वाली मूवी देखी ही होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। तो यह थी आज की मूवी वंडर वुमन 1984। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और रोज किसी और मूवी के साथ। थैंक यू।